आज हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के दूसरे पुत्र ऋषभ का जन्मदिन है और इस पुत्र पहले पुत्र है और एक पुत्री है, बड़ी पुत्री है उसके, वो भी आज बहुत खुश है, देख रहे हैं स्टेज पे चढ़ के माइक में आवाज लगा रही है और उसको ऋषभ को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ है बैजी पांडे जी जो फिल्म निर्माता है, क्या कहेंगे जरा इनसे जानते हैं। हम लोग सारे लोग बहुत आज खुश है और सारे इंडस्ट्रीज के सारे भाई लोग हम लोग जुटे हुए हैं, बहुत सौभाग्य की बात है और हम सब लोग मिल के ऋषभ को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। थैंक यू सर। हमारे साथ आजाद जी हैं जो बहुत अच्छे गीत लिखते हैं, क्या कहेंगे आजाद जी? जी नमस्कार, ऋषभ को बहुत बहुत बधाई हो और खेसारी भैया को भी बधाई हो हमारी तरफ से। उनका बेटा सुपुत्र जो है पहला बेटा है और उनके जैसा स्टार वो भी बने, ऐसा ही कामना करूंगा मैं। अरविंद आनंद जी हमारे प्रोड्यूसर है फिल्म के, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो आप खेसारी लाल जी के सुपुत्र ऋषभ के लिए बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामना और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह खेसारी जी ने अपना एक अलग मुकाम बनाया है उस तरह ऋषभ भी एक अच्छा मुकाम बनाए। आज खेसारी भाई के बेटे ऋषभ जी का जन्मदिन है, हम लोग आए हैं और घरेलू पार्टी है तो बहुत काफ़ी फिल्मी बातें भी करना उचित नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे को हम लोगों ने आशीर्वाद दिया, इंडस्ट्री के तमाम लोग पहुँचे हैं यहाँ, छोटे बड़े सारे लोग पहुँचे हैं और ये सबका प्यार है खेसारी जी के लिए कि खेसारी जी अपने घर में घरेलू फंक्शन मनाते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं, खेसारी जी का प्यार है और साल में एक बार ऐसा कुछ ना कुछ खेसारी जी मना ही लेते हैं इस टाइप का फंक्शन जिसमें सारे लोगों का एक गेट टुगेदर हो जाता है और सारी फिल्मी बातें भूल के हम लोग एक पर्सनल पारिवारिक लेवल पे मिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इस मौके पे आए इतनी बारिश में, थैंक यू। अरे ऋषभ को, उस मासूम बच्चे को, ये उसका दूसरा बर्थडे है, पहला बर्थडे भी मैं आया था और दिल से दुआएं हैं खेसारी जी और उस बच्ची को भी। सोलो दे दीजिए सर, आप क्या कह रहे हैं, क्या शुभकामनाएं? एक मिनट, हाँ।